गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट चार के हमने ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है बच्चों। आगे हम पार्ट चार की जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अपनी हिंदी नोटबुक ओपन करनी है बच्चों और इसके अंदर प्रश्न उत्तर इस प्रकार से राइट करने हैं बच्चों। ऊपर ही ऊपर पार्ट चार लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक लिखना है बच्चों, दीना के परिवारजन दुखी क्यों थे? उसका उत्तर दिया गया है बच्चों, दीना के आलस के कारण परिवारजन को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इसी कारण वे दुखी थे। प्रश्न नंबर दो पे दिया गया है बच्चों, दीना महात्मा जी के पास क्यों गया? उत्तर नंबर दो है, दीना धनवान बनने के लिए महात्मा जी के पास गया। प्रश्न नंबर तीन है, दीना ने महात्मा जी को अपनी आंख क्यों नहीं दी? उसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि उसे काना होने का डर था। प्रश्न नंबर चार है, दीना को छिपा हुआ खजाना कैसे मिला? उत्तर नंबर चार है, दीना को छिपा हुआ खजाना उसकी मेहनत करने से मिला। तो बच्चों आपको अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर ये जो प्रश्न उत्तर है पार्ट चार के वो इसी प्रकार से राइट करने हैं। डेट मेंशन करनी है, पार्ट चार मेंशन करना है, हेडिंग मेंशन करनी है, उसके बाद में इसी प्रकार से प्रश्न नंबर और उत्तर नंबर नंबर डाल के राइट कीजिएगा बच्चों। और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में राइट कीजिएगा और साथ में उसको लर्न करके रफ नोटबुक में राइट करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे पेज नंबर 18 पे नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज एक्टिविटी टाइप पे है बच्चों। ये हमें राइट करनी है बुक में ही। फेस्टिवल्स आर टाइम फॉर जॉय एंड मेरीमेंट। वी एंजॉय द फेस्टिवल्स विद आर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी डू मैनी थिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। टिक राइट कंडीशन फॉर द थिंग्स यू डू ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जो है होते हैं वो बहुत ही हर्ष से भरे होते हैं, बहुत ही आनंद से भरे हुए होते हैं और हम हर त्योहार को एंजॉय करते हैं, उसको अपने बड़े फैमिली वाले परिवार के साथ दोस्त वालों के साथ में हम उसको एंजॉय करते हैं। हम त्योहारों के दौरान क्या क्या चीजें करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, तो हमें आज आपको उन पर राइट का निशान लगाना है कि हम त्योहारों के दौरान अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ साथ क्या क्या करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है वी वियर न्यू ड्रेस। तो हमें यहाँ पे राइट लगाना है कि फेस्टिवल्स पे हम सब न्यू ड्रेस पहनते हैं, हर कोई फेस्टिवल पे न्यू ड्रेस पहनता है। वी विजिट टू फेयर विद आर पेरेंट्स। हम कोई भी यात्रा करने जाते हैं, मेले में जाते हैं, हम जो भी मेला किसी भी फेस्टिवल पे मेला देखने के लिए जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं, तो इसलिए हमें सेकेंड नंबर पे भी राइट लगाना है बच्चों। वी फाइट विद आर फ्रेंड्स। हमें अपने हम जो है हमारे दोस्तों से फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ में। फेस्टिवल के तो फेस्टिवल पे तो कोई भी फाइटिंग नहीं करता है, वैसे हम फ्रेंड्स के साथ कई बार फाइटिंग हो जाती है, लेकिन फेस्टिवल के दौरान तो हमें कभी फाइटिंग करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए हमें थर्ड नंबर पे रॉन्ग का निशान लगाया है। फोर्थ नंबर पे है वी डू नॉट विजिट आवर फ्रेंड्स। हम जो है हमारे दोस्तों के पास नहीं जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, हम दोस्तों के पास नहीं जाते हैं क्या? हम हमारे दोस्तों के पास जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्थ नंबर पे भी रॉन्ग लगाया है। फिफ्थ नंबर पे है वी डेकोरेट आर होम्स। हम फेस्टिवल के दौरान हमारे घर को सजाते हैं, खूब डेकोरेट करते हैं, अच्छे से उसको सजा कर रखते हैं, तो हमने फिफ्थ नंबर पे राइट का टिक किया है। सिक्स नंबर पे है वी एक्सचेंज गिफ्ट। हम गिफ्ट जो होते हैं, उपहार जो होते हैं, एक दूसरे को तोहफा लेना और देना लगा रहता है, तो हम गिफ्ट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो हम उससे गिफ्ट, अगर वो दे रहा है सामने वाला तो हम उससे गिफ्ट लेते भी हैं, तो हमने यहाँ पे सिक्स नंबर पे राइट टिक किया है। सेवेंथ नंबर पे है वी गेट एंग्री विद आर सिबलिंग्स। हम हमारे जो एक माँ के संतान जो होती है, हम हमारे भाई बहन जो होते हैं उनसे हम नाराज रहते हैं, नहीं बच्चों हम उनसे नाराज नहीं रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रॉन्ग का राइट रॉन्ग का निशान लगाया है। वी शेयर स्वीट्स विद एवरीवन। हम जो मिठाइयाँ होती है उसको सबके साथ, प्रत्येक के साथ हम उसको शेयर करते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि हमें जो भी चीज होती है उसको शेयर करना ही चाहिए, कभी भी कोई भी चीज होती है उसको अकेले नहीं खाना चाहिए, तो हमने इस पे राइट का निशान लगाया है। तो बच्चों आपको भी इन सेंटेंसेस को रीड करके खुद को समझ कर इन पे क्या आएगा, रोंग आएगा या फिर राइट आएगा, खुद को समझ करके राइट या रोंग का निशान लगाना है।